नमक, सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड। नमक एक सफेद पाउडर है जो किचन या डाइनिंग टेबल में एक छोटे से डब्बे में रहता है। लेकिन नमक केवल स्वाद या जायका का माध्यम नहीं है, नमक का अपना एक इतिहास है जिसमें व्यापार है, करेंसी सिस्टम है, युद्ध है, यहां तक कि आंदोलन है। पाषाण काल में मानव शिकार कर और मांस का उपभोग कर अपनी जीवन शैली को चलाते थे। आगे चलकर मानव एक स्थायी जीवन की तरफ बढ़ते हैं, यानी सभ्यता, जिसका कारण था एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। मानव ने अब खेती करना शुरू कर दिया था। खेती करने के कारण उसका सारा समय खेतों में यानी किसान का काम करते हुए बीतता था और शिकार के लिए समय कम बचता था। ऐसे में जो मांस जो भी उनके पास होता था उसे संरक्षण या प्रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती थी और यहीं पर एक रिक्वायरमेंट यानी नेसेसिटी आती है और उस पदार्थ का नाम होता है सॉल्ट। एक और महत्वपूर्ण बात, जब मानव शिकार करके उसके मांस का उपभोग करते थे तो उसकी सोडियम की रिक्वायरमेंट डायरेक्टली फुलफिल हो जाती थी। लेकिन जब से एग्रीकल्चर यानी कि कृषि शुरू हो जाता है, अब इंसान स्टोर्ड फूड खाता है और उसको वो सोडियम उस स्टोर्ड फूड से नहीं हो पाती जितना पहले होता था। इन दोनों कारणों को मिलाने के बाद इंसान को एक पदार्थ चाहिए था और जिसका नाम है सॉल्ट। इतिहास में कोई परफेक्ट डेट तो नहीं है, लेकिन 5000 साल पहले से इंसान नमक का उपभोग कर रहे हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम में एविडेंस मिलता है ऑफ सॉल्ट प्रोडक्शन। रोम, इजिप्ट और चाइना के सिविलाइजेशन में नमक का उत्पादन किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में भी पटरी यानी कि सौराष्ट्र का एक हिस्सा जो गुजरात में है, इस गांव में भी नमक उत्पादन के एविडेंस प्राप्त होते हैं। रोम में एक वर्ड पाया गया, सेलेरियम। सेलेरियम का मतलब है कि रोम के सिपाहियों को मंथली सॉल्ट अलाउंस मिलता था ताकि वो नमक खरीद सके, और इसी सेलेरियम वर्ड से आज एक शब्द निकलता है सैलरी, जिसे हम मासिक वेतन कहते हैं। अगर बात करें अफ्रीका तो चलते हैं वेस्ट अफ्रीका, जहां पर है घाना। घाना उस वक्त नमक का व्यापार सोने की अदला बदली के साथ करता था, इसलिए मार्को पोलो इटालियन ट्रैवलर कहते हैं कि यहां नमक की कीमत सोने के बराबर है। और आगे चलकर इसी नमक व्यापार के कारण बनता है सहारा डेजर्ट ट्रेड रूट। मध्यकालीन इतिहास में देखा जाता है कि यूरोपियन कंट्रीज में सॉल्ट की डिमांड बढ़ती है। कारण होता है प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड फिश। एक लैटिन वर्ड भी निकल कर आता है जो है सलाटा। सलाटा का मतलब होता है सॉल्टेड और आज के टाइम पे हम कहते हैं सलाद। यूरोपियन देशों में नमक की मांग और प्रभाव इतना ज्यादा था कि अगर हम देखें तो एक नमक कर के वजह से एक आंदोलन हो गया। 1789 फ्रेंच रेवल्यूशन नमक कर के चिंगारी से ही भड़कता है, जिसे हम गैबल टैक्स के नाम से जानते हैं। सॉल्ट के इतिहास को जब हम आगे लेकर चलते हैं तो हम पहुंचते हैं भारत में। भारत में आधुनिक इतिहास में देखा गया कि महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक कर के खिलाफ आवाज उठाई। अंग्रेजों ने भारत के ऊपर सॉल्ट टैक्स 1882 लगा रखा था। इस टैक्स के तहत कोई भी हिंदुस्तानी सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग या उसका व्यापार नहीं कर सकता था और सॉल्ट खरीदने के लिए भी उसे अंग्रेजी हुकूमत को कर देना पड़ता था। इसको देखकर गांधी जी ने एक बात कही कि नेक्स्ट टू एयर एंड वाटर सॉल्ट परहैप्स इज द ग्रेटेस्ट नेसेसिटी फॉर ह्यूमन लाइफ, और इसीलिए उन्होंने 1930 में एक सॉल्ट सत्याग्रह किया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने नमक को इसलिए चुना क्योंकि ये रोज इस्तेमाल होने वाली एक बेसिक नेसेसिटी थी लाइफ की, और दूजा इसमें कोई सामाजिक या आर्थिक दृष्टिकोण नहीं था, ये सबको एक साथ लाने वाला पदार्थ था। 12 मार्च 1930 गांधी जी साबरमती से पद यात्रा शुरू करते हैं। लक्ष्य होता है डांडी।
जब वो पद यात्रा शुरू करते हैं तो उस वक्त का वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वो कहता है इससे क्या होगा, गांधी जी केवल 78 फॉलोअर्स के साथ निकलते हैं और ये यात्रा पूरी होती है 24 दिनों में, और 24 दिनों में वो चलते हैं 240 मील। इस यात्रा में वो हर गांव में जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि किस तरह अंग्रेज उनका आर्थिक शोषण कर रहे हैं। 6 अप्रैल 1930 जब वो तट पर पहुंचते हैं दांडी में और एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ देते हैं और वहां वो कहते हैं कि ये नमक जो मैंने अपनी हाथ में उठाई है इससे मैंने अंग्रेजों के फाउंडेशन यानी न्यू को हिलाकर रख दिया है। ये अंग्रेजों को पहले पता था और उनके पुलिस ऑफिसर पहले से ही वहां मौजूद थे, लेकिन वो लाठी चार्ज नहीं कर पाते हैं क्योंकि बापू को देखने के लिए अंग्रेज भी उसी भीड़ में खड़े होते हैं। यूरोपियंस अमेरिकन न्यूज़पेपर में ये रोज छपता है और व्हाइट फ्लोइंग रिवर का नाम दिया जाता है इस पूरे पद यात्रा को कि लोग सफेद खादी पहनकर गांधी जी के पीछे चलते हैं। और जो पद यात्रा केवल 78 फॉलोअर से शुरू हुई थी, आगे चलकर देखा जाता है कि 60,000 लोग गिरफ्तार होते हैं इस नमक आंदोलन में। और दूसरे ही दिन से अंग्रेजों के मन में एक भय पैदा हो जाता है क्योंकि इतनी बड़ी संगठन तैयार होती है और अब अंग्रेजों का डर भारतीयों के मन से निकल चुका होता है। तो इस नमक ने इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा संगठन और इतनी बड़ी सोच पैदा की थी। इस नमक का प्रभाव इतना ज्यादा था कि यहां पर प्रेमचंद की वो किताब याद आती है जिसका नाम था नमक का दारोगा। साउथ इंडिया में सी राजगोपालाचारी भी नमक आंदोलन करते हैं फ्रॉम तिरुचप्पली टू वेद रायम इन तमिलनाडु। नमक आंदोलन का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है और वो पूरे एक वर्ष तक चलता है और लॉर्ड इरविन को गांधी जी के साथ बैठक करनी पड़ती है और तैयार होता है लॉर्ड इरविन पैक्ट 1931, जिसके अनुसार गांधी जी तैयार हो जाते हैं टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जब गांधी जी 1931 में लंदन जाते हैं तो पूरे अंग्रेज उन्हें देखने के लिए आते हैं कि वो कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया और एक नमक से इतने बड़े देशवासियों को जोड़ लिया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और नमक कर में बहुत बड़ा बदलाव लाया गया और अब तटीय क्षेत्र यानी कोस्टल एरियाज पर रहने वाले लोग नमक का उत्पादन कर सकते थे। वहीं भारत जो आजादी के पहले नमक इंपोर्ट करता था, आयात करता था, आज वही भारत आजादी के बाद नमक का एक्सपोर्ट करता है और भारत का सॉल्ट प्रोडक्शन में तीसरा स्थान है पूरे विश्व में, पहला चाइना, फिर यूएसए और फिर तीसरे नंबर पर भारत। भारत में अगर हम स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा नमक उत्पादन होता है गुजरात के कच्छ एरिया में, फिर होता है राजस्थान के सांबर लेक एरिया से और तीसरा तमिलनाडु वेदरायम से। भारत का एक तिहाई नमक प्रोडक्शन यानी उत्पादन होता है रन ऑफ कच्छ वाले एरिया से, जहां पर 6,000 सॉल्ट फार्मिंग फैमिलीज रहती है अग्रियार्स। आजादी के बाद ये पाया गया कि भारत में गॉइटर यानी घेंगा बीमारी फैल गई। आगे चलकर यह पता लगाया गया कि घेंगा बीमारी आयोडीन की कमी के कारण हो रही थी, यानी अब भारत को एक ऐसा स्कीम चाहिए थी जिससे आयोडीन की मात्रा उनके खुराक में जाए और गॉइटर यानी घेंगा की बीमारी खत्म हो जाए। 1962 में आया नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम, इसके तहत सॉल्ट में आयोडीन की मात्रा बढ़ाई जाएगी और उसके कंजम्पशन से गॉइटर बीमारी को हटाया जाएगा। 1983 में एक मैंडेट आ गया कि अब कोई भी नमक या भारत में उत्पादन हो या बाहर से इंपोर्ट किया जाए उसको आयोडाइज्ड होना ही पड़ेगा और इसके बाद से भारत में गॉइटर यानी घेंगा की बीमारी ना के बराबर हो गई। और इस कार्य के पीछे नाम आता है डॉक्टर चंद्रकांत, जिनको आयोडीन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हर वर्ष सेकेंड वीक ऑफ मार्च को सॉल्ट अवेयरनेस वीक के रूप में मनाया जाता है।
नमक का इतना बड़ा इतिहास, इसीलिए शायद समाज सॉल्ट को लॉयल्टी से जोड़ता है। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए गैलेक्सी यूट्यूब चैनल।